हेलो गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप अपने घर में अच्छी हो, ठीक हो। तो गाइस, शाम के बज गए 5, ठीक है। और हम लोग उठे अभी सो के, और मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। देखिए ब्लैक कॉफ़ी बिना शुगर। तो गाइस, आज तुमने देखा होगा ना, मैंने दिन में ब्लॉग डाला था, तो मेरे बेटे की साइकिल खुश हो गया। जब से उसका बर्थडे था, उसने गर्दा काट रखा था, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ, भैया अभी आ गए हैं डिस्चार्ज से हॉस्पिटल। अभी ऑपरेशन की डेट मुझे पता नहीं है कब की दी है। अब मैं शाम को घर जाऊँगी तो मुझे पता चलेगा कि भैया की ऑपरेशन की डेट कब तक दी है। होली के बाद ही बोले थे वैसे। और साहब लेटे हैं, देखो आप साहब की छुट्टी है, देख लो इधर जरा। आज छुट्टी है और मम्मी और भैया भी घर चले गए। घर हो गया एकदम खाली खाली, ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर कोई रहता ही नहीं है, मन ही नहीं लग रहा। कहते थे कि 2-4 दिन अगर इनसे 8-10 दिन ना कोई रह जाए ना घर के अंदर, अब फिर वो जाता है तो एकदम घर ना सूना सूना हो जाता है। तो बेटा भी गया ट्यूशन, कल से उसके पेपर चालू हो रहे हैं, तो मैं पेपर में भी उसका ध्यान देना है, क्योंकि ये पेपर ऐसे होते हैं जो पेपर यही होते हैं ना, मैन मार्च की पेन मैन पेपर होते हैं। तो गाइज, आज 28 तारीख फरवरी का है लास्ट महीना, और कल है 1 तारीख मार्च। 8 तारीख की होली है, 7 तारीख का होली पूजन है, और 8 तारीख का रंग है। तो गाइज, आ गई होली। होली के 3 महीने तक त्योहार नहीं आते ना। राखी, राखी कब आएगी? अगस्त में। कितने दिन पड़ेगा अगस्त के? पड़ेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी तो राखी के भी पड़े हैं 4 महीने, 4-5 महीने। ठीक है गाइस, और तो बताइए गाइस, चलो आज आपसे मैं बात करती हूँ, कुछ अपनी बताइए, कुछ मैं बताती हूँ। तो गाइस, मन नहीं लग रहा, आप बताओ। आप अकेले रहते हैं तो मन लगता है, आपका घर के अंदर नहीं लगता ना, तो मेरा भी नहीं लगता। ब्लैक बॉक्स अब हमारे पास है देवराज। ओके, इसको देख के लग रहा बड़ी बेरहमी से मार रहा है। It's not his blood, it's our blood, sir. मुझे सजना है, सजना के लिए। गुम है किसी के प्यार में, दिल से कभी किसी ने मुझे इतना परेशान नहीं आता किया। मैं जानना चाहता हूँ तेरा ये दिमाग चलता कैसे है। ये देखो, आज तेरा सर खोल के देखते हैं। अच्छी लग रही ना गाइस, खुल गई। कहीं देखो, मैंने ये जो टैटू बनवाया था ना, सामने मार, तो मैंने गलती कर दी। मुझे ना नीचे ने मुरली बनानी चाहिए थी, बनवानी चाहिए थी। अरे मैं जब जाऊँगी ना काटू शाम तक, मैं उसको मुरली बनवाऊँगी। और ये जो है, आप सोचते होंगे क्या है, तो पहले ना मुझे पता नहीं था कि टैटू ऐसा बनता है, मतलब कुछ बढ़िया बनता है। तो हम लोग ना इंडिया गेट गए थे घूमने के लिए, तो ये पहले जो वर्ड है वो मेरे बेटे का है, यश, ठीक है। और जो ये है पी, ये मेरा बर्ड है, मेरे पहले नाम का अक्षर पूजा। तो मैंने अपने बेटे का सोचते होंगे ना कि अब तुझसे रात में क्या लिखा है, तो ये मेरा और मेरे बेटे का है, ठीक है। इसमें मैंने कान्हा जी का मोर बनवाया था, तो मुझे इसमें मुरली बनवानी चाहिए थी। तो मैं सोच रही थी खाटू श्याम में दर्शन करने जाऊंगी ना, तो मैं वहीं पे बनवाऊंगी। कहाँ हो सकती है बताओ? काइश में मूर्ति लग रही है बहुत। वो राघव
कौन रहा कैसे पतली हूँ मैं समझ में नहीं आ रही मुझे गाड़ी का टिकट सर्विस में काम करता है गाइस आप बोलते हो आप अपने बारे में कुछ बताइए हम आपके बारे में जानना चाहते हैं तो गाइस मेरे बारे में आप क्या जानोगे मैंने जो था पहले ब्लॉग में दूसरे ब्लॉग में डाला हुआ उसमें आप जान सकते हो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत परेशानी देखी है अभी तक देख ही रही हूँ ठीक है और सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ रखा है कि सब वो संभालेंगे जब इतना कहते ना इंसान जब धरती पर आया है तो वो दुख भी देखेगा सुख भी देखेगा एक में से एक तराजू पे ऐसे नहीं रह सकता ना ऊपर नीचे होता रहता है तो हर किसी की लाइफ में ना उतार चढ़ाव होते रहता है ऐसा नहीं है कि मैं ही दुखी हूँ या और दुखी नहीं है कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब मेरे से भी ज़्यादा दुखी हैं मेरे से ज़्यादा भी परेशान हैं ऐसा नहीं है कि हाँ जी नहीं मैं ही ज़्यादा परेशान हूँ वो परेशान नहीं है तो धरती पे ना सब परेशान है क्या हुआ था कविता राघव जिसने जन्म लिया है ना अगर वो दुख नहीं देखेगा तो सुख कैसे देखेगा और जो आया है उसको जाना भी है चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले और ना कमा ले वो तब भी जाना है उसने पूरी बात चलाई अभी हम ना गाजियाबाद बस अड्डे पे जब हम साइकिल लेने के लिए जा रहे थे ना ठीक है तो एक लेडी थी यंग सी ठीक है और उसकी गोद में बच्चा था उसने वो बच्चा ना किसी और को गोदी में दिया ये समझ लो या तो उसका हस्बैंड ही होगा भाई तो होगा नहीं भाई मान लो या हस्बैंड मान लो और वो मुंह पे ऐसी ढांटा मांगी ना भीख मांग रही थी तो जब भीख मांगे थे गाड़ी वाला गाड़ी रुकी तो वो भीख मांग रही थी उसने पता है क्या बोला गाड़ी जो मतलब गाड़ी के अंदर था जेंट्स उसने बोला बच्चा तो तूने अपने आदमी को पकड़ा दिया और तू भीख मांग रही है अच्छे खासे तेरे हाथ पैर है हट्टी कट्टी कमा के खा सकती है ना ऐसा नहीं है गाइस कि हाँ अनपढ़ आदमी है तो क्या कमा के खा नहीं सकता आजकल अनपढ़ भी कमा रहे हैं पढ़े लिखे भी कमा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है मम्मी ने फोन किया फोन नहीं किया तो गाइस इनकी मंगलवार की छुट्टी रहती है साहब की मैंने सोचा था चलेंगे कहीं चलेंगे घूमने नहीं ऐसा नहीं है ब्लैक कॉफी बना के दी है मुझे तो गाइस मिलती हूँ मैं शाम को 6 बजे ब्लॉग में जब भैया के यहाँ जाऊँगी तो आपको भैया को भी दिखाऊँगी गाइस ठीक है और उनकी तबीयत के बारे में भी बताऊँगी तो गाइस मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो बताना कि ब्लॉग कैसा लगा तो शेयर करना सब्सक्राइब करना लाइक करना और ऐसे ही मेरे चैनल में आप बने रहिए अपने पापा की बिटिया का चैनल पूजा सैनी ठीक है गाइस तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में